मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ जो मेरा वीडियो चल रहा है इसके नीचे ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे आपको दबाना है और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी आपको दबाना है ऑल करके, इससे मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ। ये लुक मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था जो कि एक मदर्स डे स्पेशल वीडियो था एंड जब मैं उसका मेकअप कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ इस वीडियो को और ताकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पाऊँ। तो वीडियो देखो और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है एंड मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ करूँगी ये सारे मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे बहुत ही जल्दी में रेडी होना है। मैंने अपने बालों में क्रम्पिंग कर रखी है टू ऐड सम एक्स्ट्रा वॉल्यूम। अभी गर्मी है तो लोग मॉइस्चराइजर स्किप कर देते हैं, बट गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कुछ भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले। तो अगर गर्मियाँ हैं तो आप उसके लिए मैट मॉइस्चराइजर यूज़ करो। मैट मॉइस्चराइजर भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। मैं भी यूज़ कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी ट्री मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, आप ज़रूर उसे चेक करना, जिनकी भी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा। सॉरी बात करते करते मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ। तो मैं प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ये प्राइमर। एक्चुअली मैं डे लाइट में ही शूट करती हूँ तो अगर डे लाइट ख़त्म हो जाता है तो ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। फाउंडेशन को लगाने से पहले हम ये प्राइमर, कोई सा भी प्राइमर इनफैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, आपका फाउंडेशन जो है वो आपके स्किन में डायरेक्टली ना लगे इसलिए हम प्राइमर लगाते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का ये फाउंडेशन एंड अपनी मॉम को भी मैंने यही वाला फाउंडेशन रिकमेंड किया है एंड जब से वो ये लगा रही है शी इज़ वेरी हैप्पी। निकल जा, क्योंकि हमारे पास टाइम आज बहुत कम है इसलिए हम कोई भी ब्रश आज यूज़ नहीं करेंगे। आज हम फटाफट अपने जादुई हाथों से ही मेकअप करेंगे। एक्चुअली जब मैंने ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी उससे पहले मैं अपने फिंगर्स से ही अपने फाउंडेशन को या अपने मेकअप को ब्लेंड करती थी। इट्स टोटली अप टू यू आई गेस। हाथों से जितने अच्छे से, मतलब अपने फिंगर्स से जितने अच्छे से चीज़ें ब्लेंड होती है वो ब्रश या किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं होती है। तो फटाफट हम अपने फिंगर्स से ब्लेंड करेंगे। टडा, आई एम हैप्पी। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने फिंगर्स यूज़ किए हैं टू ब्लेंड माय फाउंडेशन एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। और क्या करना है, और क्या करना है। अब मैं अपनी फाउंडेशन को सेट करूँगी विद द मेबलिन फिट मी लूज पाउडर। इस पाउडर का रिव्यू मैंने अपने एक वीडियो में किया है तो अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा इज कम्प्लीट। आप लोग मदर्स डे पे कुछ तो कर ही सकते हो, ठीक है लॉकडाउन है बट मैं एक आइडिया दूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे यूज़ कर सकते हो आप, मेकअप का नहीं है।
ये मदर्स डे पे अपनी मम्मी को, लाइक मम्मी तो हमारे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ करती है, तो इस बार आप क्या करो, मम्मी को मदर्स डे पे कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ। और क्या बनाओगे मुझे बताना, या फिर क्या करोगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझसे शेयर करना कि आप मदर्स डे पे क्या कर रहे हो। तो एनीवेज मैं अपनी आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट, सो प्रिटी पैलेट, इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं। तो आई एम वेयरिंग अ ब्लू साड़ी, तो मेरी मम्मी उतना ही मेकअप करती है जितना मैं उन्हें कर देती हूँ। जब मैं उनके पास नहीं होती हूँ तो वो कुछ भी मेकअप नहीं करती हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आप चाहो तो आप पॉपकॉर्न वगैरह लेके या चाय कॉफ़ी लेके भी बैठ सकते हो। पक्का वो नहीं करूँगी, पक्का। सॉरी मैं बताना भूल गई मैं कौन सा शेड यूज़ कर रही हूँ। ये पिंक शेड जो है, एक्चुअली नॉट पिंक, ये थोड़ा पीची कलर है। इस पीच कलर को मैं एज ए ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये इसके बाद मैं ये ब्लू शेड लेती हूँ और इसे मैं अपने आई लिड पर लगाऊंगी। यार लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हो, मैं तो वीडियो बनाती हूँ, उससे मेरा थोड़ा तो मन लग ही जाता है। आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं फेसबुक पे, काफ़ी लोग ये ट्रिक्स एंड हैक्स जो भी मैं बताती हूँ DIYs वो शेयर करते हैं मुझसे, मुझे अच्छा लगता है वो। बट आप लोग क्या करते हो मुझे प्लीज़ बताना कि लॉकडाउन आप लोगों का कैसा चल रहा है, एंड आई वुड लव टू नो कि लोग क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यार ये लॉकडाउन जो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, आई मीन नॉट फॉर द कंट्री, बट ऐसा टाइम हमेशा तो मिलता नहीं है हमें। आप चाहो तो इसे किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हो, ऐसी चीज़ें करो जो आप यू नो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे करना। थोड़ा सा और मैं डार्क कर रही हूँ इस ब्लू शेड को, फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी एक ब्राउन कलर, या ये ब्राउन कलर लेके, दिस ब्राउन कलर से लेके आउटर कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी ताकि मेरी जो आईज है वो थोड़ी डेंस लगे। सेम इधर भी मैं कर रही हूँ, सेम ब्लू शेड को लेके। उसी पीच कलर को मैं अपने पीच कलर इसे मैं अपने लोअर आईज पे लगाऊंगी। सो मेरी साड़ी में थोड़ा सा ग्रीन भी हिंट है, तो ये जो शिमरी ग्रीन कलर है इसे मैं लेकर थोड़ा सा अपने आईलिड पर, सेंटर ऑफ द आईलिड पर लगाऊंगी। इस गोल्डन कलर को मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी रेडी होना होगा, मैं फेसेस का काजल लगा रही हूँ।
तो मैंने ये काजल लगा लिया है, ये फेसेस का काजल है एंड मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ अपने वीडियोज़ में एंड डे टू डे बेसिस पे भी मैं यही यूज़ करती हूँ। तो फटाफट अब मैं आईब्रोज कर लेती हूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप इस लॉकडाउन में अपनी आईब्रोज़ को कैसे शेप दे सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखो जाके, मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मैं अपनी आईब्रोज़ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये पेंसिल है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे ही मैं अपने आईब्रोज़ को लाइन और फिल दोनों करूँगी। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस अल्टीमेट प्रो का आईलाइनर। ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये मेकअप रिवोल्यूशन लंदन का ये पैलेट एंड इसमें से ये पिंक कलर मैं यूज़ करूँगी। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी यहाँ पर। सेम मैं अपने यहाँ ब्राउ बोन पे भी लगाऊंगी एंड आई गेस दिस इज इट। ओ शिट, मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फॉल्सीज पुशअप ड्रामा मस्कारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिपस्टिक मैं लगाऊंगी। कौन सा लगाऊंगी? आई थिंक कि मुझे एक बार पूरा गेटअप करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि कौन सा लिपस्टिक सूट करेगा। सो आई विल कम जस्ट इन 5 मिनट्स। लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ मैक का ये फ्लैट आउट फैबुलस। So guys, this is the final finished look. I hope you like the makeup. I hope you like the video. If you have any suggestions or any questions regarding my videos or my channel, please let me know in the comment section below. I would love to read your comments. So see you in my next video. Till then, bye. Take care and stay healthy.